हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ कपल इन जर्मनी में। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन हाउ टू फाइंड इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स इन जर्मनी, और इसका वन ऑफ द वे इज ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ है श्रद्धा। सो श्रद्धा का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, श्रद्धा के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रद्धा, आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने इंडिया में क्या पढ़ाई की थी, जर्मनी में क्या पढ़ाई की थी, और जॉब के बारे में। तो मैंने इंडिया में बैचलर्स किया था इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जर्मनी में एडमिशन लिया मास्टर्स इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन। सो दीज बोथ जो दोनों कोर्सेज हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन हैं, जिसमें मेजरमेंट एंड सेंसर्स का ज़्यादा वो रहता है स्कोप। तो इसके बाद फिर मुझे जर्मन इतनी मैं फ्लुएंट नहीं थी, तो इस वजह से मैं इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ढूंढ रही थी, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है जर्मनी में इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा रहता है और वैकेंसीज बहुत कम रहती है। तो ये जो आपका प्रोग्राम है ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम, उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब आपको ये कहाँ से मिला एंड क्या इसका स्कोप है, ड्यूरेशन क्या है? तो ये जो ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम है ये आजकल जर्मनी और ऐसे स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने ये लिंक्डइन पे ही ढूंढा था। तो मैं ग्रेजुएट डालती थी ग्रेजुएट, और फिर वहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट ये। तो ये क्या होता है कि जैसे हम लोग फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते हैं, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता जर्मनी में, तो ये उनके लिए एक ट्रेनी प्रोग्राम होता है जिसमें कि आपको कंपनी कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रेन करेगी आपको, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जिसमें भी आपने अप्लाई करा है उसमें ट्रेन करेगी, जॉब रोटेशंस देगी। और दो साल, ये वेरी करता है, एक से दो साल से तीन साल तक का हो सकता है, मेरा दो साल का है ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसमें आपको क्या होता है कि आप डिफरेंट, जैसे मैंने भले ही इंजीनियरिंग में किया है, बट राइट नाउ जो मैं काम कर रही हूँ वो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट ट्रेनी हूँ मैं। तो हालांकि मेरी डिग्री इसमें नहीं है, मैं इंजीनियरिंग में है, बट स्टिल मुझे कंपनी ने रख दिया है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि स्विच करना चाहते हैं अपने करंट जो उन्होंने मास्टर्स जहां से करी है उससे, आप मान लो मैनेजमेंट में जाना चाहते हो या आप किसी और चीज़ में, तो आप मोटिवेटेड हो तो आप अप्लाई करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ईजी होता है, टफ होता है, कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई रहता है, और इसमें स्टेजेस भी होती हैं अलग अलग। तो आपने अभी कहा कि आपने पढ़ाई एक फील्ड में की थी और अभी आपका जॉब जो है वो दूसरी फील्ड में है, तो ऐसा कुछ है कि ये इन दोनों चीज़ों में कुछ रिलेशन होना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपका अगर कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है तो इसकी वजह से ये आसान हो जाता है? हाँ, मैं ये कहूँगी कि पहले तो आप ग्रेजुएशन करे हुए होने चाहिए ऑफकोर्स, और दूसरा आप क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो प्लस पॉइंट काउंट होता है। और दूसरा एडवांटेज जो हम सब इंडियंस के पास है इन ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम से, मोस्टली अब्रॉड एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपने थ्रू स्टडी अब्रॉड या सेमेस्टर अब्रॉड या फिर वर्किंग अब्रॉड। तो अब हम सारे जो बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे लिए एक एडवांटेज है कि वी हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपीरियंस। तो ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, मोस्टली जो कंपनीज होती हैं इंटरनेशनल, जो क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनमें ये प्रोग्राम्स होते हैं। और ये जो हम फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं उनको ट्रेन करके और वहीं पे एब्जॉर्ब करने के लिए, वहीं पे वो लोग वर्क कल्चर सीख के वहीं कंपनी के लिए काम करें, तो ये उनके लिए होते हैं। आपसे डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप डे वन से आप शुरू हो जाओ काम करना और प्रोड्यूस करना अपने रिजल्ट्स। यू आर ट्रेन्ड, और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे ज़्यादा रहता है। हाँ, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको सब आना चाहिए, आपको सिखाया जाता है, और आप कंपनी के एक तरह से बच्चे होते हो जिनको वो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और उसके बाद वो आपको क्या कहते हैं वहाँ पे जॉब देंगे। सो लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टू इयर्स आपको इसी कंपनी में आगे वो चाहेंगे कि आप यहीं पे रुको, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, तो ऐसे कुछ बॉन्ड या ऐसे कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं होता। अभी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जैसे दो साल का है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम दो साल का है, इसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा अगर मैं चाहूँगी वहाँ पे कंटिन्यू करना, और वो भी चाहेंगे कि मैं उनके साथ कंटिन्यू करूँ। Okay. तो अभी आप जैसे प्रोक्योरमेंट फंक्शन में हो, तो वो लाइक अराउंड 6 मंथ्स रहा, फिर आप कोई नए
डिपार्टमेंट में आपका रोटेशन होगा या कैसे रहेगा? तो ये जो होता है, ये प्रोग्राम 6 मंथ्स कह सकते हो, हर 6 मंथ में एक रोटेशन होता है. मेरे वाले में एक इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी है पॉसिबिलिटी, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे जर्मनी में नहीं, मे बी यूरोप में किसी और कंट्री में, या फिर मुझे US में जाना है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ. तो ये हर डिफरेंट पोजिशंस मैं ट्राई कर सकती हूँ. जैसे अभी मुझे मैनेजमेंट में जाना है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, या ऑपरेशनल एक्सेलेंस में, या फिर मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है, रीन्यूएबल में, तो मैं कहीं पर भी स्विच कर सकती हूँ फॉर 4 to 6 months ऑफ टाइम. और ऐसे ही मैं अलाउड है 4 to 5 रोटेशंस विद इन द 2 years. तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है आई थिंक उन लोगों के लिए जिनको कुछ डिफरेंट करना है, और जिन्हें नहीं पता कि वो क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या इंटरेस्ट है. तो बेस्ड ऑन दीज प्रोग्राम्स तुम कर सकते हो. तो आप सब चीज थोड़ी थोड़ी करो, समझ लो आपका इंटरेस्ट क्या है, और फिर आगे उसमें करियर करो. राइट. तो अब ये बताया आपने बहुत अच्छे से कि ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम क्या होता है. तो अब किसी को अगर उसमें एडमिशन लेनी है, या एडमिशन एज इन उसमें सिलेक्ट लेनी है, अप्लाई करना है, तो ये प्रोसेस क्या रहती है और रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो मोस्टली लिंक्डइन पे अवेलेबल होती हैं पोजीशंस, मैंने जो देखा. इंडीड भी एक वेबसाइट है जिस पे अवेलेबल होती हैं. तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आपका CV, कवर लेटर और डिग्री कम्प्लीशन सर्टिफिकेट्स, ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड्स ऑब्वियसली, क्योंकि जर्मनी में ग्रेड्स मैटर करते हैं. दूसरी चीज़ स्टडी अब्रॉड, ये जो एक्सपीरियंस जो मैंने ऑलरेडी बताया, ये मायने रखता है. तो ये आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मास्टर्स इन जर्मनी, कुछ भी जो हमारे पास एक एडवांटेज है, जर्मन्स के पास नहीं है, मोस्टली जर्मन्स के पास, क्योंकि वो अपनी कंट्री में ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये आप डाल सकते हो. दूसरी चीज़ जो मैटर करती है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, जो मैंने देखा है कि हाउ वेल यू कम्युनिकेट, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इन प्रोग्राम्स में. इट्स नॉट जस्ट कि आप एकेडमिकली कितने अच्छे हो, कितने आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज है. मुझसे कुछ नहीं पूछा ऐसा, हालांकि प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस मेरे पास बैक था. अपने जो मैंने इंडिया में जॉब करी थी उसका कुछ पार्ट प्रोक्योरमेंट भी था, लेकिन वो एक एडिशनल प्लस था. अच्छा, ठीक है. अगर आपको क्या कहते हैं, तो जैसे कि प्रोक्योरमेंट में बस मेरा थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस था, बट ऐसा कुछ नहीं था, और मैं अप्लाई भी नहीं करने वाली थी उस जॉब में, क्योंकि मुझे लगा था ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने डिग्री नहीं करी है इसमें. पर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि ज़रा सा भी अगर इंटरेस्ट उन्हें किसी फील्ड में है, मैनेजमेंट में, या इनोवेशन में, या ऑपरेशनल एक्सेलेंस, कुछ भी, तो आप अप्लाई करो, इंटरेस्ट दिखाओ, मोटिवेशन दिखाओ, एंड देन दे विल सी योर मोटिवेशन, एंड देन दे विल टेक यू. एंड द डिफरेंट स्टेजेस दैट you said is yes, they have like 4 stages I would say. So first stage mostly hoti hai ki aapne apply kiya apne cover letter CV se. Second stage mein wo aapko agar unko pasand aaya, jo ki computer se wo algorithm unko select karti hai CVs vagera ko, unko pasand aaya to wo aapko ek analytical test link bhejte hain. To aapko test dena hota hai, usme agar aap pass ho gaye to next round hota hai virtual interview. जिसमें कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू होता है, जिसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे और ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे ही आंसर देना है. वो रिकॉर्डिंग चल रही होगी लाइव. तो बिहेवियरल इंटरव्यू जैसा है? नहीं, मतलब HR टाइप ही होता है, बिकॉज दे वांट टू नो कि व्हाई यू थिंक यू आर द राइट पर्सन, व्हाई यू हैव अप्लाइड, व्हाई ग्रेजुएट, व्हाई दिस ग्रेजुएट प्रोग्राम, व्हाई दिस कंपनी. सो इट इज मोर अबाउट HR. तो अगर वो आपने क्लियर कर लिया, देन इज द असेसमेंट सेंटर, जो फाइनल 1 day का होता है, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, होल डे यू आर बीइंग असेस्ड. तो उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है उन लोगों के साथ जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करा है. आपका क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं असेसमेंट सेंटर के. आपको कोई केस स्टडी दे सकते हैं, तो केस स्टडी आपको सॉल्व करनी होती है दूसरे लोगों के साथ जो कि आपकी तरह अप्लाई कर रहे हैं. तो इट शोज़ कि टीम वर्क आपका कैसा है. तो मेरे में एक और चीज़ जो मुझे बहुत यूनिक और डिफिकल्ट लगी थी, वो था रोल प्ले. तो आपको कुछ रोल प्ले दिया जाएगा, HR एक रोल प्ले करेगा, और आपको फिर
उस रोल में पहले आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, और एक और भी हो सकता है कि आपको कुछ प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया है और आपको ऑन द स्पॉट उस टाइम पे प्रिपेयर करके आना है और वहीं पे बोलना है 5 मिनट्स के लिए. तो बेसिकली कंपनी 2 साल आपको ग्रूम कर रही है, आपको असेस कर रही है आप किस फील्ड में अच्छे हो, और फिर मतलब कंपनी को आपसे बेनिफिट होगा, राइट? तो इस वजह से क्या सैलरीज में कुछ डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि ग्रेजुएट ट्रेनी है, क्योंकि इसका नाम ट्रेनी है, तो सैलरी बहुत कम होगी. लेकिन मेरी सैलरी रेंज मैं बताऊँ तो 50 से 60 के बीच में है. ओके, मैं अगर आपको अप्रॉक्स बताऊँ तो, विच इज गुड रेंज. मास्टर्स में नॉर्मल भी जो मास्टर्स करके आप परमानेंट पोजिशन एज एन इंजीनियर या फिर कुछ भी लगते हो, वो भी इसी रेंज में आती है. और मैंने देखा है कि मेरी सैलरी कुछ लोगों से हायर भी है. तो इट डिपेंड on company, it depends on city. पर graduate trainee हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल half pay पे होंगे, क्योंकि वो trainee है. But company kind of internship type ही, मतलब वैसे. But company आपको train कर रही है, आपको graduation हो, आपके पास master's degree है, वो उसको value करके आपको basis on that वो आपको. और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम लोग हंसते हैं जो हम सारे ट्रेनीज है कि ये पोजीशन ज़्यादा अच्छी है बिकॉज यू कम विद अ पपी प्रोटेक्शन, कि आप अपने कंपनी के बच्चे हो जिसको वो प्रोटेक्ट कर रही है, उसको पे तो कर ही रही है बट प्रोटेक्ट भी कर रही है. तो आपसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट वो चाहती है कि आप ग्रो करो और फिर यहीं पे आप जॉब करो, क्योंकि 2 साल वो तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी. ओके, तो ये सैलरी का आपने बताया, तो वीज़ा का स्टेटस क्या रहता है? आपको ब्लू कार्ड या नॉर्मल वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो या कैसे रहता है? वो कंपनी पे डिपेंड करेगा, बट सिंस ये जो ड्यूरेशन होता है इसमें अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता आपका, कुछ इयर्स का होता है. तो ब्लू कार्ड मुश्किल रहता है, ठीक है? तो अगर आपके पास ये ड्यूरेशन ना होती, अगर परमानेंट ही दे देते कि हाँ ग्रेजुएट के बाद आप यहीं पे ही ज्वाइन करोगे, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, उस केस में आपको ब्लू कार्ड मिलता है. बट सिंस मेरा 2 इयर्स का है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसीलिए ये वर्क वीज़ा है. और मुझे जानना था, मतलब ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ जिन लोगों ने मास्टर्स जर्मनी से किया है वो ही एलिजिबल हैं, या अगर किसी ने बैचलर्स जर्मनी से पढ़ाई की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए? एंड जस्ट टू ऐड टू इट, अगर हमारे व्यूअर्स इंडिया में उन्होंने बैचलर्स किया है और जर्मनी में उन्हें जॉब के बजाय सीधे इस प्रोग्राम को अप्लाई करना है, तो डू यू नो ऐसे हो सकता है क्या? ओके, तो बैचलर्स पे भी हाँ अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट हो, पर आपकी सैलरी मास्टर्स ग्रेजुएट से कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री को वैल्यू करते हैं. अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप ज़्यादा पेड रहोगे, बैचलर्स वाले को कम. वो पहले ही आपको असेसमेंट सेंटर के टाइम बता देते हैं ये चीज़ें कि कितनी सैलरी रहने वाली है बैचलर्स की और मास्टर्स की. दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया में हो तो हाँ पॉसिबल है, पर ये डिपेंड करता है कंपनीज पे. जैसे मेरे साथ एक ग्रेजुएट था, उसने वो दूसरी इंडिया का नहीं है, वो दूसरी कंट्री का था, बट उसने अप्लाई किया, उसको मिल गया और अब वो वहाँ से यहाँ पे आ गया है. तो इट इज़ पॉसिबल, बट इट डिपेंड्स ऑन कंपनी. ओके, हाँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये कंपनीज में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर तो एडवांटेज होता है. सिंस उस स्टूडेंट के पास जो जब अप्लाई किया था उसका स्टडी जो एक्सचेंज सेमेस्टर था वो जर्मनी में ही था, और वो यहाँ पर उस वजह से आया था, और 6 मंथ्स उसने यहाँ पे स्टडी करी और उसको जर्मन भी थोड़ी बहुत आती थी. On that basis he got the job. So it depends. So ऐसा नहीं है कि नहीं होता, तो बाहर से भी आते हैं students. तो ग्रेट श्रद्धा, आपसे बात करने से आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी एक और इन्फॉर्मेशन मिली हो कि आफ्टर एजुकेशन यहाँ पे जॉब का एक और एक ऑप्शन है, राइट? स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. तो यस, थैंक यू श्रद्धा, थैंक्स अ लॉट श्रद्धा, हमारे चैनल में आने के लिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को भी और श्रद्धा के चैनल को भी. और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.